तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल ब्रिटेक गेमर में। तो आज हम दोबारा खेलने जा रहे हैं ओशिन सोम सर्वाइवल आइसलैंड। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं निकल गया हूँ कहीं के लिए। मुझे नहीं पता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ। और पिछली वीडियो में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कर ली थी और मुझे पता है अभी बहुत चीज़ें करनी है और मैं बहुत चीज़ों को लेके सोच भी रहा हूँ कि क्या क्या करना है अभी। तो ओ थोक दिया मैंने, इसे यहीं खड़ा करते हैं अभी। मैं पिछली बार गया था तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मिली थी, तो मैं सोच रहा था कि क्यों हम इतनी मेहनत करें। ये देखो इनबॉक्स में ये मेरे पे अभी भी है, इसे मैं इधर उधर नहीं कर सकता, यहाँ पे कुछ रख नहीं सकता, मैं करूँ क्या। तो मैं सोच रहा था कि आज क्यों ना देखा जाए कि बैकपैक कैसे क्राफ्ट होता है। तो हमारा बैकपैक मिलेगा हमें, ये रहा स्मॉल बैकपैक, ये क्राफ्ट करने वाला हूँ मैं वैसे भी। तो स्मॉल बैकपैक के लिए हमें चाहिए क्लोथ्स एंड रोप्स, क्लोथ्स एंड रोप्स। तो एक स्मॉल बैकपैक हमारा बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, मुझे पता है बना लूँगा मैं आसानी से। ये सब घर बनाने का सामान है यार, मेरे को ना घर भी बनाना है अब जल्दी से जल्दी। अच्छा ये जो होता है ना यहाँ पे कार वाले पार्ट्स में, ये जो जनरेटर है, नहीं ये पावर जनरेटर, इससे हम अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ है। स्ट्रीट लाइट स्विच, ये कैसा स्विच है भाई साहब, आजकल के उसमें ऐसा नहीं आता है। अबे आरजीबी लाइट है ये, उसके लिए लेवल 12 चाहिए और मेरा लेवल अभी 1 है, इसलिए अभी मुझे बहुत उसके लिए काम करना पड़ेगा। वैसे मुझे लगता है मैं इसे वो खेलता रहूँगा, बहुत अच्छी सीरीज़ बनाने वाले हम। तो पहले मैं अपनी इन्वेंट्री थोड़ी बहुत खाली करता हूँ यहाँ पे सामान रख के। मुझे याद नहीं था कि यहाँ पे भी हम सामान रख सकते हैं, मुझे याद ही नहीं रहा, वरना मैं यहाँ रख लेता अपना सामान। तो मैं अभी जो अपना थोड़ा बहुत सामान है मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और ये रख लेते हैं इसकी जगह। हाँ ठीक है, अभी ये चीज़ चाहिए जो मतलब वैसी हैं वहाँ से लूटेड, मैंने ज़्यादातर यहीं ला इसमें ला के रख दी हैं। और उसका भी ट्रंक होता है, उसका ट्रंक आगे होता है। अब ये अजीब सी बात है कि इसका ट्रंक आगे होता ही रहा, इसकी ये है ट्रंक और ये क्या है इनबॉक्स, ठीक है। अच्छा इनबॉक्स में से मैं निकाल लेता हूँ ना स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग है और इसके अंदर बैठ क्यों गया, चलो पीछे चलते हैं। ओह क्या मैंने एकदम आगे भगा दी, पीछे 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 पीछे। अभी ना मुझे स्टोन की ज़रूरत है और मुझे थोड़ी बहुत हैच बनानी है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका हम जाने वाले अपने अनलिमिटेड स्टोन के पास, जो कि काफ़ी भाई कई लोगों को तो पता भी नहीं है जो ओशिन सोम खेलते हैं, लेकिन मुझे पता है। मुझे लगता था ये दिखाता नहीं है, मतलब ये टूटता नहीं होगा, लेकिन ये टूटता है, ये दिखा नहीं रहा है, लेकिन अगर आप मारोगे तो उसमें स्टोन निकलेगा। अभी के लिए मुझे कुछ 15 स्टोन और 25 वुड चाहिए, आराम से हो जाएगा। वुड मैं तोड़ लूँगा और स्टोन भी मैं तोड़ लूँगा, क्योंकि मैं मतलब यार मैंने पिछले एपिसोड में इतनी सारी वुड वहाँ रख दी, अभी मुझे वुड की कितनी ज़रूरत है, लेकिन मैं वहाँ रखाया जबकि मुझे पता था 15 हो चुके। अब ट्री काटो, फाइबर नहीं चाहिए, जब फाइबर की ज़रूरत होती है फाइबर नहीं मिलता, एक्सपी मिली और ये पत्थर मिल गया। अभी पत्थर पहले ही दे देते भैया, तो इतने ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे को। कलेक्ट स्टोन, क्राफ्ट स्टोन हैच, वही बनाने जा रहा हूँ मैं, स्टोन हैच की ही ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बहुत सारी वुड चाहिए और उसके साथ साथ हमें चाहिए थोड़ी बहुत एक पिकैक्स भी बनानी है, क्योंकि उससे हम अच्छे से सिल्का सैंड वगैरह तोड़ सकते हैं। और वो मुझे चाहिए, उससे हम क्या बना सकते हैं, ग्लास। ये सब बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं जो मतलब इतनी आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन हम इन्हें क्राफ्ट कर सकते हैं इस गेम में, आराम से कर सकते हैं। और पिछली बारी वीडियो भाई मेरे को लगता है अभी मैंने बिल्कुल, वैसे मैं बताता हूँ जिस टाइम पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम पे मैंने बिल्कुल अभी उसे अपलोड ही करा है, अभी थोड़ी देर पहले ही, 1 घंटा हुआ होगा अभी, और मैंने अभी अपलोड करा था उसे थोड़ी देर पहले ही। तो मतलब आप फिर समझ जाओ कि अभी उस पर कुछ व्यूज़ थे, अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं सुबह को चेक करूँगा उसके व्यूज़, अच्छी लगेगी तो मैं ये वीडियो भी डाल दूँगा। अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि वीडियो आएगी,
अगर अच्छी लगेगी आपको तो मैं डाल ही दूंगा, वरना वैसे मुझे लगता है अच्छी लगेगी क्योंकि भाई ओशियन इज होम इज बेस्ट गेम। भाई मस्त गेम है यार, ये वैसा गेम है जैसे मतलब अपना माइनक्राफ्ट टाइप कुछ, क्योंकि सर्वाइवल उसमें होती है लेकिन उसकी सर्वाइवल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और मैं कहाँ कहाँ बोट चला रहा हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और थोड़ी बहुत मेरी आवाज़ आज कभी कुछ ज़्यादा हो रही होगी कम हो रही होगी क्योंकि आज कुछ दिक्कत है इस चक्कर में। मैंने माइक कुछ ऐसे रखा हुआ है इसलिए मुझे आगे पीछे करना पड़ रहा है, किसी चीज़ पे लगा रखा है असल में मैंने, तो मैं इसके अंदर घुस जाता हूँ केबिन के अंदर। ये अपना केबिन और मैं आ चुका हूँ इसके अंदर। अब मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ कि एक घर बनाया जाए। अब घर बनाने के लिए मुझे बहुत सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत, मतलब इक्विपमेंट नहीं, बहुत सारी वुड की ज़रूरत पड़ेगी भाई, बहुत सारी से मतलब बहुत सारी। एक तरीके से आप सोचो कम से कम ये जितनी मेरी पूरी इन्वेंट्री है ना, ये पूरी इन्वेंट्री वुड की भरी हुई चाहिए, उससे मैं एक छोटा सा घर बना पाऊँगा। तो आप सोच सकते हो कि इसमें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और ख़त्म ये वुड, ये था, ये बहुत जल्दी तोड़ती है और ये पेड़ में ज़्यादा वुड मिलेगी मुझे लगता है, इसमें ज़्यादा वुड है तो अभी इसे तोड़ लेता हूँ मैं भाई से टूट मिले। अच्छा तो हमारा ये और एक पेड़ है, वो जो सामने कटी हुई लकड़ी पड़ी है ना उसमें बहुत अच्छे से हमें बहुत वुड मिलती है उससे, एक जैसी एक हो जाए ना वुड एक मिले लास्ट में, समझ जाओ कि डेप्लीकेट हो गया, इसलिए अब फालतू में अपनी पिक मतलब एक्स की हेल्थ ख़त्म करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और ये इससे बहुत वुड मिलती है, मैं दिखाता हूँ, छः एक बार मिलती है। तुम जल्दी लेवल 3 भी हो गया भाई, पता भी नहीं चला कि लेवल 3 कब हो गया, और अभी लेवल 6-7 होने वाला है क्योंकि बहुत सारी वुड तोड़ने वाला हूँ मैं आज। तो चलिए मैं आपसे कम से कम ये जितने 1-2-3 स्टैक मेरे पे अभी खाली पड़े हैं, 3 स्टैक वुड मैं आपसे कलेक्ट करके मिलता हूँ। गाइस अभी मैं तोड़ रहा था सारी लकड़ी और उसके बीच में क्या हुआ, गई एक्स गई भाई, एक्स ही टूट गई। अब क्या होगा, अब क्या करूं, अब इसे ड्रॉप करना पड़ेगा, अब कुछ नहीं कर सकता मैं इसका। ये रही स्टोन हैच, मुझे एक और स्टोन हैच बनानी पड़ेगी, उसमें वुड खर्च होगी यार, वुड बहुत कम है अभी वैसे भी, वैसे मैंने जितनी कही थी उतनी मैंने कर ली है, ऐसी बात नहीं है, 222 कर ली मैंने, 25 खर्च हो जाएगी क्या होगा, ऐसे कह रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी 25 खर्च हो जाएगी तो कोई इसमें वैसे की बात है। अरे भाई ओ भाई, अब मुझे कम से कम 3 स्टेप फिर से करनी पड़ेगी यार, मैं जब तक आज इतना कम से कम कर नहीं लेता ना तब तक मैं इसे तोड़ता रहूँगा, और मुझे लगता है मेरा लेवल 4 भी पूरा होने वाला होगा, मैंने अभी तक देखा नहीं है आज, हाँ लेवल 4 होने वाला है मेरा। ये तोड़ता हूँ, ये बहुत अच्छी वुड दे देता है एकदम, लो ले, अरे वाह बैग का सामान मिल गया ये। तो एक काम करता हूँ अभी उसे इनबॉक्स में पड़ा रहने देता हूँ, इनबॉक्स से सामान कहीं जाता नहीं है, इससे बहुत वुड मिलती है, मैं इसे ज़्यादा तोड़ना पसंद कर रहा हूँ इसलिए, इससे नहीं मिलती, उससे तो 6 मिली थी, इससे उससे 5 मिली, इससे 3 मिल रही है। ओ भाई बहुत मेहनत करनी पड़ेगी है, अब मैं जब वुड तोड़ रहा हूँ कहाँ जा रही है, जब वुड ही ख़त्म, वुड पूरी हो गई तो वुड हमारी पूरे 1-2-3-4-5 स्टैक मैंने जमा कर ली, तो बहुत फ़ायदा है। तो हाँ तो गाइस मैं फिर से आ चुका हूँ, वो कुछ कारण से मैं अभी बीच में हट गया था, अभी टायर निकाल लेता हूँ मैं, नहीं टायर निकालूँगा क्यों। तो यहाँ पे मेरे पे हैं इस समय पर कुछ 5 स्टैक के करीब मेरे पे वुड है, और इसमें देखता हूँ प्लैंक्स कितने बनेंगे, तो प्लैंक्स से क्योंकि बनता है वो 10-50 प्लैंक, 50-50-100 प्लैंक बन जाएंगे मेरे, और 100 और थोड़े बहुत उससे और,
वो काफ़ी बन जाएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं जितने भी प्लैंक बन रहे हैं ना उन्हें बना के मिलता हूँ, वन स्टोन और चलो बना के मिलता हूँ। तो गाइस जितने भी हमारे प्लैंक्स बन सकते थे वो मैंने बना लिए हैं और वो हैं हमारे इस बैकपैक में। तो हमारे पूरे तो नहीं लेकिन दो पूरे स्टैक और एक आधा स्टैक प्लैंक्स बन गए हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं कि कितनी वुडन फाउंडेशन हम बना सकते हैं। 50 तो नहीं बना सकते, उसके लिए तो बहुत चाहिए और मुझे बनाने में नहीं है 50, इतना बड़ा घर थोड़ी बनाऊंगा मैं। कोई इससे पूरा प्लस करके पहले 50 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैं 6 कॉलम्स में से करने वाला हूँ। मतलब कैसे 6 नहीं 8 का, 4-4 का, 4-2, 4-4 का, हाँ बहुत बढ़िया बनेगा, 4-4 का बना लेंगे। लेकिन भाई इसमें सारे प्लैंक्स मेरे खर्च हो जाएंगे। चलो फाउंडेशन तो लगाता हूँ पहले। तो आज हमने गाइस तो आज हमने बहुत कुछ काम कर लिया है और हमने आज कुछ प्लैंक्स इकट्ठा करे और हमारे कुछ हमने वुडन फाउंडेशन बनानी शुरू कर दी है और ये पूरी बन जाएगी थोड़े टाइम में। तो गाइज आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और ऐसी वीडियोस अगर आपको चाहिए तो कमेंट भी करना है। भाई मैंने पिछली वीडियो पे ऐसे कुछ कहा ही नहीं, आप कमेंट नहीं करते हो, लोग आप देखते हो लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अगर आपको इसका ही ओशन ऑफ होम, इसका ही आइसलैंड वाला चाहिए तो मुझे बताना। वैसे उसमें मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें कर ली हैं लेकिन फिर भी मैं अगर आपको अच्छा लगेगा तो कोई मैं उसको ही दिखाऊंगा आपको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।